साथियों, देश में विकास के लिए हो रहे इन प्रयासों के बीच आप सभी देशवासियों को एक और बात की ओर भी ध्यान खिंचवाना चाहता हूं। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ये ठान कर बैठे हैं और पब्लिकली बोले भी हैं और उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है। क्या किया है उन्होंने? अपना संकल्प घोषित किया है, हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। इसके लिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर हैं और कुछ देश के बाहर भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। ये लोग लगातार कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह मोदी की इमेज को धूमिल कर दें, लेकिन आज भारत के गरीब, भारत का मध्यम वर्ग, भारत के आदिवासी, भारत के दलित, पिछड़े हर भारतीय आज मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है। और इसीलिए ये लोग बौखला गए हैं, ये लोग नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। 2014 में उन्होंने मोदी की इमेज, मोदी की छबिल धूमिल करने का संकल्प लिया। अब इन लोगों ने संकल्प ले लिया है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इनकी साजिशों के बीच आपको, हर देशवासी को देश के विकास पर ध्यान देना है, राष्ट्र निर्माण पर ध्यान देना है। हमें विकसित भारत में मध्य प्रदेश की भूमिका को और बढ़ाना है। ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस इसी संकल्प का ही एक हिस्सा है।